am Dr. Yugal Mishra, Chief of Digital Services and Head of Cardiac Sciences, Manipal Hospital, Dwarka. आज मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। दो साल पहले जब ये मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका शुरू हुआ था, तब से लेकर पिछले दो साल में हमने बहुत सारी प्रगति की है हार्ट के प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए। हमारे पास इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि कैथ लैब में हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का उपचार करते हैं। हमारे पास कार्डियक सर्जन्स हैं, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर में बड़े बड़े जोखिम वाले हार्ट के ऑपरेशंस करते हैं और बड़े सारे मरीजों को अभी तक हमने यहाँ पर 600 हार्ट के ऑपरेशंस किए हैं और हमारा सक्सेस रेट 99% है। हमारा इन्फेक्शन रेट 2% से कम है और वो सारे पेशेंट्स अब हमारे फॉलोअप में हैं और सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो कॉम्प्लेक्स केसेस हार्ट की प्रॉब्लम से आते हैं तो उनका हम उपचार करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे देश में हार्ट की बीमारी बड़ी तेजी से फैल रही है। उसका कारण है एक तो डायबिटीज हमारे देश में बहुत ज्यादा है, दूसरा कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारे देश के लिए स्पेसिफिक है, जैसे कि रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज में क्या होता है कि बचपन में जब व्यक्ति 10-12 साल का होता है तो एक इन्फेक्शन होता है जिसको हम कहते हैं रूमेटिक फीवर, उसकी वजह से हमारे हार्ट में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है और वो यूजली 20 साल के बाद 15-18 से लेकर के 40 साल के बीच की होती है, जिसमें कि हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट वाल्व होते हैं वो खराब हो जाते हैं और एक स्थिति आती है कि वो हार्ट वाल्व या तो उनको रिपेयर करना पड़ता है या कि उनको रिप्लेस करना पड़ता है। ये जो प्रॉब्लम्स है वो डेवलपिंग कंट्री की स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें ये प्रॉब्लम रूमेटिक हार्ट डिजीज की नहीं होती है। दूसरी प्रॉब्लम जो हमारे यहाँ है जो कि बहुत ही ज्यादा फैल रही है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये इसके कई रिस्क फैक्टर्स हैं, उसमें तो एक जेनेटिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी मदर फादर को ये बीमारी होती है उनको उनके नेक्स्ट जनरेशन में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जो स्मोकिंग करते हैं उनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज काफी पाई जाती है, जिनको डायबिटीज होती है, जिनमें मोटापा होता है, जिनमें ब्लड प्रेशर होता है, ये सब रिस्क फैक्टर हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के। ये जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है इससे हम जानते हैं इसमें हार्ट अटैक, बड़े सारे लोग हैं जो कि सुबह पता लगे 4-3 बजे उनको सीने में दर्द हुआ और उन्होंने यदि टाइमली उपचार नहीं किया तो या तो वो खुद इतने ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं और जब तक अस्पताल पहुँचते हैं तो वो क्रिटिकलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो बेहतर ये है कि लोगों को अपना नियमित उपचार कराना चाहिए, नियमित उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने चाहिए जिससे कि पता चल जाए उनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है या नहीं। हमारा जो मणिपाल हॉस्पिटल है कोरोनरी आर्टरी डिजीज को ट्रीट करने के लिए बहुत बड़ी पारंगत हासिल किया है। हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कि एंजियोग्राफी करके इसका पता लगाते हैं और फिर यदि उसमें प्रॉब्लम आती है तो एंजियोप्लास्टी के द्वारा यदि 1 या 2 ब्लॉकेज होती हैं तो उनको एंजियोप्लास्टी करके उनको दूर करते हैं। यदि ज़्यादा ब्लॉकेज हुई और एंजियोप्लास्टी संभव नहीं होती तो वो केसेस फिर सर्जरी में जाते हैं, यहाँ पर कि हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करते हैं। तो कोरोनरी बाईपास सर्जरी हमारे मणिपाल में बहुत एडवांस है। हम बड़े सारे पेशेंट्स जो उपयुक्त होते हैं उनका मिनिमली इन्वेजिव कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करते हैं, जिसमें कि हम सामने सीने में कट नहीं लगाते बल्कि साइड में जा करके 2-3 इंच का कट लगाते हैं, वहीं से 3-4 कोरोनरी आर्टरी जो ब्लॉक होती है उनका बाईपास करते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास के लिए एक तो मेमोरी आर्टरी यूज होती है और जो हम वेन यूज करते हैं उसके लिए हम इंडोस्कोप से वेन निकालते हैं पैरों से, उसमें कोई हम कट नहीं लगाते। तो इस तरह से जो मरीज जिसकी कि हम बाईपास सर्जरी मिनिमल एक्सेस से करते हैं
तो उसकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ब्लड लॉस नहीं होता है और 3 हफ्ते के अंदर ही वो व्यक्ति इस काबिल हो जाता है कि अपने काम में वापस लग जाता है। नाउ जो पेशेंट्स इस समय से कोरोनरी आर्टरी का इलाज नहीं करा पाते उनको हार्ट अटैक हो जाता है और बड़े सारे लोगों को इमरजेंसी में या तो एंजियोप्लास्टी करनी पड़ती है, स्टेंट डालना पड़ता है, या कि बड़े सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जैसे कि किसी में माइटल वाल्व का रिगर्जिटेशन हो जाता है, किसी में हार्ट के अंदर जो सिप्टम होता है वो फट जाता है। ऐसी स्थिति में मरीज काफ़ी सिक हो जाता है, उसके लिए इमरजेंसी सर्जरी की जरूरत पड़ती है जो कि हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में बाखूबी की जाती है। ये देखना है कि इसके साथ में और ऐसे क्या हार्ट के प्रॉब्लम हैं जिनके लिए कि सर्जरी या एंजियोप्लास्टी की जरूरत होती है। हम जानते हैं कि एक कंडीशन होती है जिसको कहते हैं हार्ट ब्लॉक, जिसमें कि हार्ट की जो नॉर्मल 70 से 80 पर मिनट की जो बीटिंग होती है वो कम होकर के 20 से 30 हो जाती है। लोगों को चक्कर आने लगते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं। कभी कभी ये कंडीशन हार्ट अटैक के बाद भी होती है, उसके लिए हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी डिपार्टमेंट है और हमारे जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं और वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। वो पेसमेकर्स लगाते हैं। पेसमेकर एक तरह का और इलाज है जिसको कि हम बायोवेंट्रिकुलर पेसमेकर या रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी कहते हैं। वो उनमें किया जाता है जिनमें हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है हार्ट अटैक की वजह से या कि कार्डियोमायोपैथी की वजह से, जिसमें कि हार्ट काफ़ी डैमेज हो जाता है। उसमें ये स्पेशली डिज़ाइन पेसमेकर होते हैं, वो लगते हैं। वो भी हमारे मणिपाल हॉस्पिटल में बाखूबी लगाए जाते हैं और हमारे डॉक्टर इसमें बड़ी भारी महारत हासिल करी हुई है। ऐसे मरीज जिनका कि हार्ट बहुत कमज़ोर होता है और जिनमें कि एंजियोप्लास्टी एंजियो या सर्जरी रेगुलर सर्जरी से उनका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, उनके लिए हम हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। दिल्ली सरकार ने हमें ये हमारे अस्पताल को हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मंजूरी दी है और ऐसे मरीज जिनका हार्ट फंक्शन 10% है, 15% है, हार्ट अटैक की वजह से या कि कार्डियोमायोपैथी की वजह से, वो इसमें इसके कैंडिडेट होते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हम पेशेंट्स को इनरोल करते हैं। सरकार में भी जो हमारा नोटो है वहाँ भी इनका इनरोलमेंट होता है और जहाँ कहीं भी उसके ब्लड ग्रुप का हार्ट जो जिनको किसी की डेथ होती है या कि जो लोग वेंटिलेटर में होते हैं जिनके कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जिनको कि जाने की कोई संभावना नहीं होती रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में या कि न्यूरोलॉजिकल इशू की वजह से, वो ऐसे कैंडिडेट डोनर माने जाते हैं और वो हार्ट हम वहाँ से लेते हैं और जो नीडी पेशेंट हैं जिनको हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है उनको हम हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके सिवाय तमाम और मरीज हैं जिनके हार्ट के ट्यूमर अंदर होते हैं हार्ट के चैम्बर्स में, उनका भी हम इलाज करते हैं। कंजनाइटल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें कि बच्चों को पैदाइशी बीमारियाँ होती हैं, ASD, VSD और कॉम्प्लेक्स कंजनाइटल हार्ट डिजीज, उनका भी इलाज हमारे अस्पताल में होता है। इसके साथ में एरिथमिया सर्जरी होती है, उसका इलाज हम करते हैं जिसमें कि, और वैल्व के लिए हमारा अस्पताल बहुत पारंगत है। वैल्व्स जो हैं वो प्रॉब्लम जैसे कि मैंने बताया, एक तो रोमेटिक होती है और दूसरी डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती है जो कि ओल्ड एज में होती है। उन ओल्ड एज के पेशेंट्स होते हैं जिनमें डिजेनरेटिव होती है या माइटल वाल्व की प्रॉब्लम होती है, उनको या तो हम रिपेयर करते हैं या रिप्लेस करते हैं। बड़े सारे व्यक्ति हैं जिनमें एओर्टिक वैल्व की प्रॉब्लम होती है, उनकी सुकड़ापन हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाता है, लेकिन उनको बड़े सारे और भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो सर्जरी के लिए फिट कैंडिडेट नहीं होते। ऐसे पेशेंट्स के लिए हम एक नई टेक्निक आई है जिसको कि हम तावर कहते हैं। उसमें हम जो वैल्व्स हैं बिना हार्ट खोले बिना चेस्ट को काटे वैल्व रिप्लेस करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में वैल्व को कैथेटर के अंदर माउंट किया जाता है और फीमोरल आर्टरी से, पैर के आर्टरी से ही हम कैथेटर के द्वारा ये वैल्व को एओर्टिक पोजीशन में इम्प्लांट कर देते हैं। और ये टेक्नोलॉजी जिसको कि ट्रांस एओर्टिक वैल्व रिप्लेसमेंट कहते हैं, उसमें ये वैल्व कैथेटर के द्वारा जाकर के लगाया जाता है। उसमें ना तो हम हार्ट लंग मशीन में डालते हैं ना हार्ट को खोलते हैं। इसका भी हमारे मणिपाल में बड़ी विशेष सुविधा है और बड़े सारे पेशेंट्स का हमने इस पद्धति के द्वारा भी इलाज किया है।
mitral valve के लिए भी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, और कोई स्पेसिफिक पेशेंट होते हैं जिनका कि पहले हार्ट की सर्जरी हो चुकी होती है, mitral valve जो है टिश्यू valve के द्वारा रिप्लेस हो जाता है, जो कि 8-10 साल के बाद वो खराब हो जाता है, उसको भी हम कैथेटर के द्वारा जो ये valve होते हैं अवेलेबल है उनके द्वारा भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इन नटसेल हम इस सिचुएशन में हैं कि जो पेशेंट जिनके कि हार्ट बहुत खराब है, जिनको कि या तो हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है लेकिन हार्ट नहीं मिल रहा है, उन पेशेंट में हमारे पास मैकेनिकल एक डिवाइस है जिसको हम कहते हैं LVAD, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, वो भी लगा सकते हैं जिसमें कि जो हार्ट की पंपिंग को इम्प्रूव करता है। हार्ट यदि ब्लड पंप नहीं कर पाता तो ये मशीन LVAD होती है, ये उस पंपिंग का काम करने लगती है, और जब तक किसी व्यक्ति को हार्ट ना मिले जो तो वेट कर रहे होते हैं उस ड्यूरेशन में इसको लगा देते हैं। या कि ऐसे बड़े सारे बुजुर्ग होते हैं जो कि इनको भी हम हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते 65 के ऊपर के, यदि उनको दिक्कत है उनको भी हम ये जो LVAD लगा सकते हैं। बड़ी सारी महिलाएं हैं जिनको कि पोस्टमार्टम के बाद में कभी कभी उनके हार्ट में ये कमजोरी इतनी ज़्यादा आ जाती है, उनको भी टेम्परेरी ये डिवाइसेस लगा सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन के बाद लोगों के हार्ट कमज़ोर हो जाते हैं, उसको भी लगा सकते हैं, और सब्सिक्वेंटली उनका हार्ट रिकवर हो जाता है। जब उनका हार्ट पूरी तरह रिकवर हो जाता है तो ये LVAD है, इसको हम निकाल देते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि ये एक सेंटर है जहाँ पर कि हार्ट की जितनी तरह की बीमारी है उन सबको ट्रीट करने के लिए एक एक जगह है अंडर वन रूम, चाहे वो मरीज को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, हार्ट के वाल्व की खराबी हो, या कि हार्ट बहुत ज़्यादा सिक हो गया हो, पंपिंग बहुत कमज़ोर हो गई हो, उसको हार्ट ट्रांसप्लांट की या बेड की जरूरत हो, उन सब की सुविधाएं अंडर वन रूफ है। और निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास रहता है कि जो भी मरीज आता है उसको इंडिविजुअलाइज करके टारगेटेड अप्रोच करें, जिससे कि जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आए, जो कि हम निश्चित रूप से अपनी सोसाइटी को दे रहे हैं। थैंक यू।